मैं जादूगर मृत्यु राजीव ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। अब इस जादू का रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को दबा के तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें और को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको चाहिए प्लेइंग कार्ड और एक बॉल। बॉल को बाएं पॉकेट में डाल दीजिए, ताश को दिखा दीजिए ऐसे, और ये जो पॉकेट में डाला हुआ बॉल है उसको बाएं हाथ में ऐसा पामिंग कर दीजिए। ये ताश को लेकर ऐसा पकड़ लीजिए और ये बॉल में बदलता नजर आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बॉल बाएं हाथ में पामिंग किया हुआ है वह भाग ऑडियंस के सामने नहीं करना है। बाएं हाथ में जो ही पामिंग कर देता है हाथ को इस तरह से रखना है ताकि बॉल ऑडियंस को नजर ना आए, और ये जो कार्ड है वो ऐसा पकड़ लीजिए और उसको बाएं हाथ से पकड़ने का एक्टिंग कीजिए। तब क्या करो, ये कार्ड को इस तरह से यहां पर पाम करो। ऐसा पकड़ना है, उसके बाद क्या करना है, ऐसा पामिंग कर देना है, हाथ को सीधा कर देना है। एक बार देखिए दोस्तों, कार्ड को ऐसा पकड़ना है और ऐसा पामिंग कर देना है और ये हाथ को लेकर बॉल के ऊपर ऐसा पकड़ लेना है और तुरंत ही हाथों को थोड़ा अपना शरीर के नज़दीक लेकर शरीर के साथ ताश का ये कोना सटा दीजिए और अंगूठे को फ्री कर दीजिए ताकि ऑडियंस को ये एहसास हो कि दाहिने हाथ बिल्कुल फ्री है।
तो ता सही सा रहेगा। और इसको ऐसा दिखा दीजिए और पॉकेट में डाल दीजिए और अंगूठे से ताश को ग्रिपिंग कर दीजिए और ऐसा खींच कर निकाल दीजिए। और इसको ऐसा निकालना है कि ऐसा है हाथ और पहले ऐसा ग्रिपिंग कर दिया, ये दोनों अंगुलियों के बीच में ताश को ले लिया और ऐसा निकाल दिया। फिर रिपीट करिए उसको, बस ऐसा पकड़िए, बॉल को पामिंग कर दीजिए। इसको पॉकेट में डालने का ज़रूरत नहीं है, उसे पामिंग करके हाथ में ही रखना है। ऐसा पकड़ने का बहाना कीजिए, बॉल को लीजिए और कार्ड को यहाँ पर सटा दीजिए और अंगूठा फ्री कर दीजिए। इसी तरीके से आपको करते जाना है।